अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको, मेरे अभी सीन्स होंगे डे थ्री से, तो मैं अपने आपको ऑब्जर्व करके निकालूंगी वो सीन्स। चलिए, मौका मिला तो किसी मीडिया हाउस में काम करेंगे आप? देखते हैं। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। अब मैं हूँ सुभाष शेखर। झारखंड में सिर्फ बॉलीवुड की नज़र नहीं है बल्कि अब वेब सीरीज भी बनने शुरू हो गए हैं। आज ही एक वेब सीरीज धुरंधर नाम का शूटिंग शुरू हुआ है रांची में, और रांची के कई अच्छे लोकेशंस पर इसकी शूटिंग की जाएगी। ये वेब सीरीज किस तरह की होगी, कहाँ देखने को मिलेगा, ये हम जानना चाहेंगे। इसके जो डायरेक्टर और राइटर हैं हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका लोकल खबर में। नमस्कार, लोकल खबर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं। ये किस तरह की है वेब सीरीज धुरंधर? वेब सीरीज एक बहुत ही इसका जो विषय वस्तु है वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, विद सारे जो मसाले होते हैं एंटरटेनमेंट के, वो उसके साथ एक हत्या प्रकरण का समाधान एक इंस्पेक्टर कैसे निकालता है और किस तरीके से चीज़ें, इसमें थ्रिल भी है, रोमांस भी है, इसमें वायलेंस भी है और भी कॉमेडी भी है, काफ़ी शेड्स हैं इसके अंदर, और एक कह सकते हैं कि कुल मिला कर एक मनोरंजन का पैकेज है ये सीरीज। कौन कौन से खास कलाकार हैं लीड रोल में? लीड रोल में मुकुल नाग हैं, राम सुजान सिंह हैं, आलोक कपूर हैं, निक्षय मौर्य हैं, निभा सहाय हैं, अमृता पांडे हैं और विंशु वर्मा हैं, काफ़ी लोग हैं इसमें। कितने दिनों में ये तैयार हो जाएगा, लोगों को देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा? हम इस महीने हमने शूटिंग स्टार्ट की है, हमारा 15 से 20 दिन का ये पूरा शेड्यूल है। सीरीज़ वन बना रहे हैं हम, सीरीज़ टू की भी प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगी। हम टारगेट कर रहे हैं कि 26 जनवरी को अगर 8 नहीं तो 4 तो कम से कम लोगों को पॉड ओरिजिनल पे देखने को दे ही दें। ये हमारा अथक प्रयास है, हम दिन रात मेहनत करके इसको जल्दी से लाएंगे। पॉड ओरिजिनल जो हमने आप देख सकते हैं, पॉड ओरिजिनल जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो जब उसके डिटेल्स में जाएंगे 16+ और उसमें सेक्स इंक्लूडिंग है, तो क्या इसमें उसी तरह के कंटेंट रहेंगे, न्यूडिटी रहेंगे? नहीं, हम न्यूडिटी इन अ वेरी क्रूड मोड, चीपर मोड नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन अब आप कहिए कि अगर कोई हत्या का प्रकरण हो रहा है तो वहाँ कई सारी हत्याओं के साथ रेप का प्रकरण जुड़ जाता है। अब रेप की विभत्सता जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो दर्शक कैसे अनुभव करेंगे कि भाई इतना विभत्स हो सकता है, अफसोसजनक रिएक्शन कैसे आएगा? तो वो चीज़ें तो आपको शूट करनी ही पड़ेंगी वास्तविकता के करीब। जब तक आप दर्शक को वो अनुभव ना कराएंगे तो दर्शक आपकी कहानी से जुड़ेगा कैसे? तो वहाँ तक तो हम जा रहे हैं, लेकिन मतलब पार्ट ऑफ द स्टोरीज में, लेकिन जबरदस्ती का न्यूडिटी जो एक फैशन चला हुआ है उसको हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे अपने इसमें। खासतौर पर जो वेब सीरीज बनती है उनके सेंसरशिप के लिए भी कोई संस्था अभी तक तैयार नहीं हुआ है, होता भी नहीं है। जी जी। और लोकल खबर में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टीम के खास आदमी हैं, को प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कि ये जो लोकल टीम, हाँ, क्या नाम है आपका? अक्षय सक्सेना मेरा नाम है। ये जो धुरंधर वेब सीरीज बन रही है, जब आपके सामने ये सब्जेक्ट आया, टॉपिक आया, तो क्या मन हुआ कि इसको तैयार करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए? अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अचानक से मेरे पास एक किसी के रेफरेंस से एक अपॉर्चुनिटी आई है कि ऐसा ऐसा कंटेंट है और ऐसा हमारे एक्सपीरियंस, राजीव रंजन दास जी जुड़ने के लिए बोल रहे हैं कि एक वेब सीरीज प्लान करना चाहते हो, वो भी रांची में करना चाहते हो, तो मेरा कहीं ना कहीं एक लिंक बना हुआ था कि कहीं ना कहीं मैं रांची से कहीं कनेक्ट हूँ, थोड़ा मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रांची में, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगा कि हम रांची का कुछ प्रोजेक्ट उठाते हैं, करते हैं, साथ में टीम मिली हुई है, रांची की टीम है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आई और फिर मैंने बोला कि गो अहेड करते हैं। तो फिर मैंने फंडिंग लगाना स्टार्ट किया और टीम से मिलके बस कोऑपरेट किया और मुझे अच्छा लगा। ये जो धुरंधर हम कर रहे हैं, ये एक टाइटल, एक
जो रांची या झारखंड का जो भी जो पुलिस वाले हैं उनके बेस पे है, पुलिस हैं। और इसमें यानी कि झारखंड से रिलेटेड स्टोरी है, यहाँ के लोग देखें, यहाँ का कल्चर दिखेगा, यहाँ का टोटल सिस्टम दिखेगा। करेक्ट, आपने सही बोला कि जो यहाँ के पुलिस का कैरेक्टर है देखा जाए, और प्लस यहाँ लोकेलिटी जो है, क्योंकि अभी तक हम क्या होता था कि हम बॉलीवुड में ही दिखाते थे, मुंबई में मोस्टली शूट चलते रहते हैं, बट अगर देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ मुंबई और रांची में शूट का भी बहुत डिफरेंस है। यहाँ का लोकेशन भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगा। मैंने सिर्फ एक ही दिन अभी घूमा है तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ की पूरी टेक्नीशियन टीम, यहाँ के प्रोडक्शन की टीम, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कॉपरेट होकर अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो धुरंधर बनेगी, सभी लोग ये हमारा जो जिसके लिए बना रहे हैं ये है पॉड ओरिजिनल्स, जो गूगल पे इजीली मिल जाएगा। और कुछ दिनों के बाद रिसेंटली नेक्स्ट न्यू ईयर में 2022 में जनवरी में ये लॉन्चिंग हो जाएगी और हर कोई देख सकता है इसे। तो ये फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और प्लस अपने कैसे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है और उसे अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं राजीव रंजन दास, जो बहुत ही एक्सपीरियंसेबल राइटर एंड डायरेक्टर हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई धुरंधर के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि रांची में टीम हो रही, रांची की टीम है और रांची के कुछ लोकेशंस पर, कई लोकेशंस पर ये शूट किया जा रहा है। तो आपको रांची के कल्चर के बारे में दिखेगा, यहाँ के सिस्टम के बारे में दिखाया जाए, यहाँ से जुड़ी हर भावना। आमतौर पर आप ध्यान देते होंगे कि अभी तक जो बॉलीवुड का जो ध्यान है सिर्फ यूपी, गुजरात, कई स्टेट के सिटीज़ को लेकर फिल्माया जाता था, लेकिन अब पहली बार बॉलीवुड वालों का ध्यान जो है रांची और झारखंड पर आया है और यहाँ का लोकेशंस देखने को मिलेगा। धुरंधर के खास कैरेक्टर जया वर्मा है, इनका धुरंधर में किस तरह का रोल है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, इनसे जानेंगे। स्वागत है आपका लोकल खबर में। नमस्कार। क्या कुछ खास है इसमें धुरंधर में? इसमें पूरा मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है और मैं आप ही का किरदार निभा रही हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर। अरे वाह। हाँ। तो उसमें क्या क्या दिखाएंगी आप? उसमें मुझे जितने भी इन्वेस्टिगेशन तो हो जाएगी, जितना भी मुझे अब न्यूज़ अपडेट चाहिए उसके लिए सारे कैरेक्टर से मैं जाके रिपोर्ट लूँगी। और आमतौर पर कोई भी रोल करने के लिए लोग उस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर का कैरेक्टर करने के लिए आपको क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ा है? मैंने इसके लिए बहुत सारा ऑब्जर्व किया। मैंने आपके मतलब जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, अंजना ओमकार, इनके मैंने वीडियोस देखे, ओम कश्यप, इनके मैंने वीडियो देखे। एंड मैंने और भी जितना, जैसे आप लोग हैं अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको, मेरे अभी सीन्स होंगे डे 3 से, तो मैं अपने आपको ऑब्जर्व करके निकालूंगी वो सीन्स। चलिए, मौका मिला तो किसी मीडिया हाउस में काम करेंगे आप? देखते हैं। जितना आपका ग्लैमर में पैसा है, मीडिया हाउस में पैसा नहीं है, बहुत तंगी होता है। लोग यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उस दौर से आप भी गुजरी हैं, वो दर्द भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू जया। हम जया से बात कर रहे थे और धुरंधर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको धुरंधर देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको 26 जनवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे जुड़ी हर खबर आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए लोकल खबर।